सनातन धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए कई सारे यंत्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें से एक यंत्र शनि यंत्र भी है। शनि यंत्र शनिदेव की कृपा पाने का अच्छा उपाय है। इसे घर में स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इसे पहनने से मन को शांति मिलती है, साथ ही शनि का प्रकोप कम होता है। शनि यंत्र शनि भगवान की कृपा दृष्टि के लिए बनाया गया है। किसी के ऊपर अगर शनि ढैया है या साढ़े साती शनि है या किसी के अरिष्ट ग्रह में अरिष्ट घर में अगर शनि ग्रह बैठा हुआ है तो शनि यंत्र शनि तैतीसा यंत्र होता है। उसको धारण करने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, शनि भगवान का इतना प्रकोप नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको धारण करके शनि यंत्र को और शनिवार का व्रत करे, शनि चालीसा का पाठ करे, तो उसकी कोई भी ऐसी अगर वो किसी बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, उसको तुरंत तत्काल फल देखने को मिलेगा। बताने से नहीं, हो ये प्रैक्टिकल खुद करके देखें, चाहे जिसको हो। इसको धारण करें शनि यंत्र को, अगर भोजपत्र पे धारण करें तो और बढ़िया है, नहीं खुदवा लें उसको, ताम्र पत्र पे बनवा करके भी उसको धारण किया जा सकता है। सबसे अति उत्तम होता है भोजपत्र पे इसको लिख करके और विधिवत पूजा करके और एक ताबीज में भर के गले में धारण कर लें, तो शनि से बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, नियम तो है, नियम है। देखो, कलयुग में शनि भगवान कर्म फलदाता कहे गए हैं वेदों के अनुसार। कलयुग में जितने भी कोई भी धरती पे कोई भी प्राणी जो कर्म अकर्म करता है, कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसके फलदाता शनि भगवान है। तो वो जब इतना बड़ा देवता खुद ही पूरे संसार में जितने भी कर्म कर्म करते हैं उनको दंडित करता है, तो अगर उनकी आराधना करोगे तो फिर उसमें फायदा ही होगा, गलत तो होगा नहीं। अब कलयुग में कर्म फलदाता ठहरे, उनका यंत्र धारण करके और उनकी उपासना अगर शनिवार को दिन किया किसी भक्त ने, तो उसका उद्धार हो जाएगा। धन धान उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।